सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज है फरवरी 5, आज मार्केट गैप अप ओपन हुई एंड उसके बाद मार्केट डाउन साइड आया, उसके बाद मार्केट हो गई साइडवेज। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में साइडवेज होने के बाद मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न शो किया। ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए मैंने अपनी ट्रेड की एंट्री ली यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहेगा वो 21962 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक का हमारा टारगेट रहेगा एंड हमारा स्टॉप लॉस 12 से 13 पॉइंट का रहेगा। एक बात और है दोस्तों, यहाँ पे 21900 पे एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल भी है, तो मैंने अपना ऑर्डर पंच कर दिया एंड देखते हैं हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है लॉस होता है, देखते हैं आगे। मार्केट में मुझे 15 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट देखने को मिला एंड उसके बाद में देखा जाए तो मार्केट ने अपनी फर्स्ट कैंडल के हाई को ही नहीं ब्रेक कर पाया। फर्स्ट ग्रीन भी कैंडल का हाई ना ब्रेक कर पाने के बाद में मार्केट ने रेड कैंडल बनाया एंड उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूवमेंट लिया एंड उसके बाद में एक लॉन्ग रेड कैंडल बनी, मार्केट ने मेरा एसएल हिट कर दिया और कुछ देर बाद मार्केट अपनी सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टच करके वापस अपनी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एंड वहाँ पे लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। तो मैंने यहाँ पे अपनी फिर से एक सी साइड की पोजीशन सेट की एंड यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 12 से 13 पॉइंट तक का एंड यहाँ पे जो हमारा टारगेट है ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन है 21962 वहीं तक का टारगेट है जो हमारा 25 से 26 पॉइंट तक का बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन सेट कर दी है, तो देखते हैं मार्केट हमारा टारगेट हिट करता है या एसएल। अगर मार्केट ने इस वाली ट्रेड में भी मेरा अगर एसएल हिट कर दिया तो इसके बाद में मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। We'll be right back.
तो दोस्तों मार्केट ने बैक टू बैक मेरा दो बार SL हिट किया एंड उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से मेरा ही नुकसान होगा, इसलिए मैंने इसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं लिया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।